Everyone, welcome back to another video, another vlog video. I think it's a video. So basically, आज ना अनुषा जी कॉलेज से और उसने मुझसे फरमाइश की थी कि ना फ्राइज बना दो, but unfortunately आलू नहीं थे. तो मैंने सोचा हुआ था पहले से ही कि मैं ना मैक्रोनी बनाऊंगी, लेकिन जब अनुषा ने फ्राइज़ का जगह किया तो आलू नहीं पड़े थे. तो मैंने ना उससे पूछा नहीं कि आपने मैक्रोनी खानी है या नहीं, बिकॉज मुझे पता था 100% कि अगर मैंने पूछा ना तो वो मना कर दी कि नहीं मैंने नहीं खानी. इस वजह से मैंने पूछे बगैर जो है ना उससे पास्ता बनाया था. मैक्रोनी या पास्ता जो भी कह लें, हमारे लिए तो एक ही चीज़ है. तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले जो है हम लोगों ने बनानी होती है सॉस. सॉस बनाने के लिए ना चाहिए था मैदा और दूध. तो वो अच्छी तरह से जो है मैंने मैदा ऐड कर दिया था, देन दूध ऐड कर दिया था और उसको अच्छी तरह से जो है मिक्स कर दिया था तब तक जब तक कोई लम्स ना बने. तो अच्छी तरह से जब मिक्स हो गया था और तब तक मैंने मिक्स किया था जब तक कोई नो मैदे की गुठली ना हो, क्योंकि मैदे को ना मिक्स अच्छी तरह से करना पड़ता है, क्योंकि मैदे की ना गुठलियाँ बन जाती हैं और वो जब नवाले में आती तो वो बहुत ही अजीब होती है. और मैं पहले भी पास्ता या मैक्रोनी अगर बनाती थी ना तो मुझसे ये गलती ज़रूर होती थी कि मैदे की ना गुठलियाँ आती थी नवाले में, तो मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं इसको ख़त्म कैसे करूँ. बट इस दफ़ा मैंने सोचा था कि मैदे की गुठलियाँ मैं नहीं आने दूंगी, तो मैंने अच्छी तरह से स्लो सी आंच में इसको अच्छी तरह से पकाया था. देन ये पास्ता मैक्रोनी का जो पानी था ना वो भी मैंने थोड़ा सा अंदर ऐड किया था, अच्छी तरह से जो अच्छी से सॉस बना ली थी. एंड देन मैंने यहाँ पे ना नमक ऐड किया था फॉर टेस्ट, जाहिर सी बात है नमक ऐड किया था. उसके बाद जो है काली मिर्च पड़ी हुई थी वो भी ऐड कर दी थी. और इसको काली मिर्च ऐड करने के बाद जो है मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया था, लेकिन ना मुझे लग रहा था कि मैंने काली मिर्च जो है बहुत ज़्यादा ऐड कर दी है, बट थैंक गॉड मैंने ज़्यादा नहीं ऐड की थी. तो काली मिर्च ऐड करने के बाद जो है मैंने इसको अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स करना शुरू कर दिया. और मुझे बस यही डर लगी जा रहा था बार बार कि मैदे के जो लम्स है वो ना आए, और बस मैं ये एक चीज़ मेक श्योर कर रही थी. एंड देन वो शाम और शाजा ने ना रात को चिकन का सालन बनाया था, तो इसकी ना ग्रेवी पड़ी हुई थी. सो आई थॉट कि ये भी मुझे ना यूज़ करनी चाहिए ग्रेवी, और उनके सालन की ग्रेवी जो है मेरे काम आ गई. अभी तक जो है मुझे जताना नहीं शुरू हो जाए. खैर तो यहाँ पर जो है ना मैंने ग्रेवी डाल के अच्छी तरह से इसको दोबारा से मिक्स कर लिया था. सॉस बना ली थी बहुत ही अच्छी और मज़े की, और थैंक गॉड इस दफ़ा मैदे के जो है लम्स नहीं आए थे. और सॉस बनाने के बाद ना चिकन के पीसेस थोड़े छोटे छोटे तोड़ के जो है ऐड किए थे सॉस के अंदर. मतलब ये पास्ता मेरे से पहले भी जो कभी ट्राई किया ना पास्ता या मैक्रोनी बनाने का, ये वाला जो है सबसे मज़े का बना था. इससे पहले जितनी भी मैंने ट्राई मारी हुई है ना वो सारी बहुत फजूल और बकवास बनी थी, लेकिन ये जो है वाकई में बहुत मज़े का बना था, शुक्र है. ठीक है, तो यहाँ पर ना चिकन वगैरह ऐड करके सब कुछ ऐड करके जो है मैं दोबारा से मिक्स कर रही थी. और उसके बाद जो है मैंने जो मैक्रोनी बॉयल की थी वो भी मैंने अंदर मिक्स कर दी थी, और मतलब इसका पकने का मैं वेट कर रही थी. मैक्रोनी जब मैंने बॉयल की थी ना तो मैंने ऐड किया था नमक और ऑयल, सोचा बता दूँ नॉलेज में इजाफा हो जाएगा आप लोगों की. तो मैक्रोनी अंदर ऐड करके जो है मैं इसका पकने का वेट कर रही थी. उतनी देर जो है मैं थोड़ी बहुत डिशेज वगैरह जो मैंने लगाई थी वो भी मैं वॉश कर रही थी, वो ना मैं साथ साथ ही वॉश करती हूँ. तो यहाँ पर ना सॉस का पैकेट के साथ मेरा हादसा हुआ था, मैंने ना बिल्कुल थोड़ा सा खोला था और उसके इतनी प्रेशर से मैंने इसको ना प्रेस किया था कि वो ना इधर उधर गिर गई थी, लेकिन फिर मैंने साफ कर दिया था टिश्यू से. खैर यहाँ पे जो है ना एक मैंने दो प्लेट लगा दी थी, एक मेरी थी और एक अनुषा की थी. और अनुषा जो है ना कॉलेज से आई थी, मुझे अनुषा की ना कभी समझ नहीं आती है, तो ना ही वो कुछ खा के जाती है. आई थिंक लंच भी बहुत कभी कभार लेके जाती है और आके भी नहीं कुछ खाती. अगर मैं ऐसा करूँ तो मैं तो वैसे चकरा के गिर जाऊँ, लेकिन कोई बात नहीं, हर एक अपनी अपनी मर्जी होती है, बट स्टिल मैं बहुत हैरान होती हूँ उस पर. खैर तो मैंने ना ऐसे अनुषा से पूछे बगैर उसके लिए भी डाल दी थी, क्योंकि अगर मैं उससे पूछती तो आप लोगों को पता है कि वो मना कर देती. तो मैंने सोचा कि पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं खुद ही बना देती हूँ उसके लिए. तो यहाँ पे जो है ना मैंने सर्व कर दिया था दोनों को, बहुत ही मज़े की और बहुत ही यम्मी मैक्रोनी बनी थी, बहुत ही अच्छी थी. और क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, इस वीडियो से ये भी प्रूव होता है कि मैं जो हूँ थोड़ा बहुत कुक कर सकती हूँ, क्योंकि जितनी भी वीडियोज़ मैंने बनाए ना कुकिंग पे उसमें से 90% जो है मैं हमेशा फ़ेल हो जाती हूँ, लेकिन इस वीडियो से प्रूफ होता है कि मैं अच्छी कुकिंग भी कर सकती हूँ. तो बस ये था छोटा सा व्लॉग. बाय बाय.